आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चौबीस घंटों में भाजपा को एक और बड़ा झटका। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। अखिलेश यादव ने पार्टी में किया स्वागत। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। 7 साल पुराने मामले पर जारी हुआ वारंट। 24 जनवरी को सुल्तानपुर कोर्ट में होंगे पेश। शिवपाल यादव की प्रसपा को मिलेंगी 12 सीटें। सपा से गठबंधन में 6 सीटों पर बात तय। शिवपाल और पुत्र आदित्य दोनों लड़ेंगे चुनाव। मुलायम के समधी हरिओम यादव बीजेपी में हुए शामिल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया फूके हुए कारतूस। यूपी में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटों में 5 कोरोना मरीजों की हुई मौत। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। पहली खबर सहारनपुर के कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद अख्तर से जुड़ी हुई है, जहां पर आज इमरान मसूद अख्तर अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे हुए थे। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम में इस बार समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और साथ ही अपनी सीट को लेकर कहा कि अब अखिलेश यादव जहां कहेंगे वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि बिना किसी शर्त के साथ मैं पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूं। उनके साथ कांग्रेस के एक विधायक मसूद अख्तर भी दफ्तर से बाहर निकलते नजर आए। उन्होंने कहा कि आरएलडी के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत पूरी हो चुकी है और जल्द ही प्रत्याशियों की सूची भी जारी की जाएगी। इन्हीं चुनावी मामलों को लेकर इमरान मसूद ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव से इमरान मसूद की भी मुलाकात हुई है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इमरान जी क्या बात हुई है और क्या आगे की रणनीति? अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इस प्रदेश के अंदर किसानों की नौजवानों की सरकार बनानी है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। पहले फेज में पश्चिम का चुनाव है, क्या वहाँ पर कुछ टुकड़ा साफ हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का 111 में से 88 जीती थी, अब के 10 भी नहीं जीत रही है। कहाँ से? अरे कार्यकर्ता की बात करिए। इमरान मसूद जिनका साफ तौर पर कहना था कि अखिलेश यादव से हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात में आगे की रणनीति हम तय करेंगे। पश्चिम में जो पहले फेज का चुनाव है उस चुनाव के बाद सुपड़ा साफ बीजेपी का हो जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। हमारी अगली खबर औरैया से है, जहां पर जिला प्रशासन के निर्देश पर तहसील की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसके तहत सबसे पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान के लोग सदर तहसील पहुंचे, मगर इस दौरान कार्रवाई को लेकर दंपति पुलिस से उलझ गए और आपस में ही उनकी नोकझोंक होने लगी। जैसे ही पुलिस कर्मियों व तहसील के लोगों की तरफ से अतिक्रमण हटाए जाने का प्रयास किया गया तो दुकान पर बैठी महिला पुलिस से अभद्रता करने का प्रयास करने लगी। इस दौरान महिला आरक्षी की ओर से उसे वहां से हटाकर तत्काल प्रभाव से अलग किया गया और उसकी दुकान को खाली कराया गया। वहीं दुकानदार महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि एक लंबे अरसे से वो यहां पर दुकान लिए हुए है और उसका पति और वो दिव्यांग है और उसे किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। दुकान टूट रही है, साफ वहाँ से अलग कर रहे हैं मुझको, मैं विकलांग हूँ, दोनों ने मेरे छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे। क्या आपको नोटिस मिला था पहले? हाँ, नहीं। आपका क्या नाम है? यहाँ कौन बैठता था? हमारे पति बैठे, विकलांग है वो भी। जानकारी देने के लिए हमारे औरैया संवाददाता जाहिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जाहिद, आज प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एक दुकान को खाली कराया गया है जिसको लेकर काफी विवाद हो गया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि औरैया जनपद के तहसील परिषद के बाहर जो अतिक्रमण किए हुए थे काफी समय से चले आ रही थी, आज पुलिस प्रशासन व एसडीएम कार्यालय से पालिका कर्मचारी आकर उनकी दुकानों को खाली कराते हैं, फुटपाथ पर कब्जा किए थे। वहीं पर एक दिव्यांग व्यक्ति वहां दुकान रखे हुए था, काफी बरसों पुरानी दुकान रखे हुए था, उसकी भी दुकान हटाई। जब उसकी पत्नी न्याय की गुहार लगाती है तो वहां प्रशासन ने तत्काल कुछ कहा सुनी हो जाती, जहाँ पर महिला पुलिस बुलाकर उनको किनारे कर दिया जाता है। जी,
वहीं पर जाहिद इस पूरे मामले पर ये बात सामने आई है कि जो दंपति है वो कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से हमें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था, बावजूद इसके हमारी दुकान को इस प्रकार से हटा दिया गया है। क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी दंपति से? जी, इस संबंध में बता दूं कि प्रशासन द्वारा कोई भी अभी तक कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। वहीं देखा जाए तो आचार संहिता जब तक लगती है तो इस तरीके से कार्य चालू कर दिए जाते हैं, सफाई अभियान है, जगह जगह जो अक्टूबर किए उनको हटाने का प्रयास जारी कर दिया जाता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे थे औरैया से, जहां पर प्रशासन के तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज कार्यवाही की गई है, जहां पर एक दंपति की दुकान को हटाने को लेकर विवाद काफी बढ़ गया। वहीं बदायूं में आगामी विधानसभा चुनाव शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद के सदर कोतवाली में नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस के कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसी के साथ पुलिस अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने की भी अपील की। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सपा, भाजपा, कांग्रेस और बसपा सहित सभी राजनीतिक दल टिकट वितरण यानी कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में विधायक विनय शाक के मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल विधायक विनय शाक की बेटी ने यानी रिया शाक ने एक बयान जारी करा था, जहां पर उन्होंने कहा कि चाचा और दादी उनके पापा को लेकर इटावा गए हैं और हमें 2 दिन पहले पता चला कि उनके पिताजी इटावा में नहीं है, लखनऊ में है, और बाद में उन्हें जानकारी मिली कि वो सपा पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। इसी के बाद इन सारी बातों को सिरे से खारिज करते हुए रिया शाक्य ने एक वीडियो बनाया और वीडियो को कई लोगों तक पहुंचाया। सबसे अहम बात यह है कि रिया शाक्य ने अपने बयान में कहा कि उनके पिताजी ने जो 25 साल की राजनीति की है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ की है। आप भी सुनिए रिया शाक्य का ये बयान। हमें 3 दिन पहले ये सूचना हुई थी कि हमारी चाचा हमारे पापा को इटावा लेके गए हैं, जबकि 2 दिन पहले ये पता लगा कि इटावा में वो नहीं है, वे लखनऊ में है। और कल जब मैंने ये खबर देखी कि मेरे पिताजी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराने की, जब मैंने ये खबर न्यूज़ में देखी तब मैंने अपनी वीडियो को बनाया और मैंने वीडियो को लोगों तक पहुंचाया कि ये सरासर गलत है। मेरे पिताजी ने जो 25 साल की जो राजनीति करी है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ करी है, और ये हमारा पूरा समाज ये बहुत अच्छे से समझता है और ये सभी लोग ये बात जानते हैं। जी, जब उन्हें जब ये सूचना हुई थी कि हम सभी लोग लखनऊ जा रहे हैं यहाँ से अपने पापा के पास, तो मेरे पापा को किसी और गाड़ी से उनको तुरंत लखनऊ से वहाँ से निकाला गया फ्लैट से। ये सूचना भी आप वहाँ लखनऊ से पता करवा लीजिए, मेरे पापा का फ्लैट है दारुलसफा में, 903 फ्लैट नंबर है, वहाँ पे ये 3 दिन से वहाँ लगातार रुके हुए थे ये सभी लोग, और जब ये शाम को सूचना मिली है तुरंत वहाँ शाम को ये लोग सभी लोग वहाँ से निकले हैं और मेरे पापा को इटावा लाया गया है। हम लखनऊ पहुँचे हैं कि हमें सूचना मिलती है कि पापा जी मेरा इटावा ले गए, तो हम लखनऊ से सीधे इटावा पहुँचे। तो जब इटावा पहुँचे तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले से सब कुछ प्लान था और काफ़ी चीज़ें पहले से प्लान कर दी गई हैं। अगली खबर बांदा से है, जहां पर सरकारी अनाज और खाद्य सामग्री में वितरण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों को मिलने वाले अनाज में जबरदस्त घटतौली की जा रही थी और साथ ही नमक, चना, रिफाइंड भी दिया नहीं जा रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार गांव का दबंग है और उसका बेटा दबंगई करता है और गांव के सभी दबे कुचले गरीब जरूरतमंद ग्रामीण कोटेदार के भ्रष्टाचार से बेहद परेशान है। वहीं कोटेदार फूलचंद्र का कहना है कि घटतौली उसकी मजबूरी है। फूलचंद्र के मुताबिक जिला पूर्ति विभाग के गोदामों से उसे घटतौली करके खाद्यान्न दिया जाता है और उसी हिसाब से वह ग्रामीणों को इसका वितरण कर रहा है। और साहब ये गलत बता रहे हैं, हम सही दे रहे हैं नहीं, अभी नहीं, अभी आदेश हमें मिल जाए तो हम कर देंगे, दे देंगे। उसमें फोटो लगी है, फोटो लिया डाट रोके, अभी कोई 400 किलो की फेंक दी जाती है, तौल तो होती नहीं वहाँ, तो हम क्या करें बताइए। हर कोटेदार को दी जाती है 50 किलो बना, चाहे 40 किलो के हो चाहे 35 किलो को, और 51.5 किलो बना कर गेहूँ की बोली देते हैं, आपको लिखित दे।
से ये खबर सामने आई है जहां पर सरकारी खाद्य सामग्री वितरण में इस वक्त भ्रष्टाचार का जो खेल है वो खेला जा रहा है। कलेक्ट्रेट पूर्वा क्षेत्र में ये पूरा खेल कोटेदार के द्वारा खेला जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो कोटेदार है और उसका बेटा है वो गांव के दबंग है और दबंगई के जरिए वो लोगों पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। दरअसल ग्रामीणों को जो अनाज दिया जा रहा है उसमें तय मानकों से कम पर अनाज जो है वो ग्रामीणों को मुहैया कराया जा रहा है। वहीं कई ग्रामीणों का ये आरोप है कि जो अनाज में मिलने वाला रिफाइंड और नमक है और जो चना है वो भी इस वक्त ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर कोटेदार से बातचीत की गई है तो कोटेदार ने सफाई पेश करते हुए कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल कोटेदार का कहना है कि जिला पूर्ति विभाग के गोदामों से ही उसे कम मात्रा में अनाज दिया जाता है और उसी के हिसाब से वो ग्रामीणों को इस वक्त अनाज का वितरण कर रहा है। तो बांदा से ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर सरकारी खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम जो चलाया गया था केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से उसमें इस वक्त भ्रष्टाचार जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बांदा से ये पूरा ताजा मामला सामने आया है जहां पर एक कोटेदार पर आरोप लगा है। कोटेदार कलेक्टर पूर्वा क्षेत्र का बताया जा रहा है जिस पर यह आरोप लगा है कि उसने जो पीड़ित ग्रामीण हैं उन सभी को कम मात्रा में खाद्यान्न भेजा है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे बांदा संवाददाता रिजवान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रिजवान, बांदा से ये मामला सामने आया है जहां पर खाद्य सामग्री का जो वितरण हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार है, क्या कुछ जानकारी है रिजवान? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, डिलीट नहीं किया? हेलो रिजवान, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, शायद रिजवान से हमारा संपर्क टूट गया है, उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही है। तो ये बांदा से पूरी खबर निकलकर सामने आई है जहां पर सरकारी खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम में इस वक्त भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। हमारी अगली खबर बुलंदशहर से है जहां पर राष्ट्रीय चेतन मिशन के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा और राजे बाबू पार्क में खासा कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किया गया। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत सिंह है, सामाजिक संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। भारत देश के गौरव युवाओं के महानायक स्वामी विवेकानंद की जयंती आज मनाने के लिए हम लोग यहाँ बुलंदशहर के राजीव बाबू पार्क में एकत्रित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को पुष्पों से सजा करके, पुष्पार्चन माल्यार्पण करके और यहाँ गोष्ठी का आयोजन करके आज हमने उनकी 159वीं जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया है। हमारी संस्था के सब नौजवान कार्यकर्ता देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा हेतु प्रेरित हों, ऐसा आह्वान करने के लिए हम लोग निरंतर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत कम आयु में, युवा अवस्था में ही भारत देश की संस्कृति का भगवा परचम पूरी दुनिया में लहरा करके हमारे देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा करके योगदान किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को आज हम उनकी 159वीं जयंती पर सादर नमन और वंदन करते हैं। वही फतेहपुर के बिंदकी विधानसभा क्षेत्र के सपा के भावी प्रत्याशी ने आचार संहिता का उल्लंघन करने का एक वीडियो उनका सामने आ रहा है। दरअसल कोरोना महामारी गाइडलाइंस का पालन न करने के संबंध में प्रशासन ने प्रत्याशी समेत 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई में वो जुट चुकी है। वायरल वीडियो बिंदकी विधानसभा क्षेत्र के छोटे लालपुर गांव और सरखंडी का बताया जा रहा है। 11/1/2022 को थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं महामारी अधिनियम में समाजवादी पार्टी के दयालु गुप्ता समेत 13 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर से ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। दरअसल
बिंदकी विधानसभा क्षेत्र से सपा के भावी प्रत्याशी का ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जहां पर वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना महामारी गाइडलाइंस का पालन न करने के संबंध में सपा प्रत्याशी और उनके साथ 13 लोगों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही फतेहपुर में चोरों के हौसले इस वक्त बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शातिरों ने छिलवाला कस्बा के पडरी मोड़ के पास एक शटर उठाकर रेडीमेड की दुकान में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल ये पूरा मामला छिवलाहा कस्बे का बताया जा रहा है, जहां पर ये पूरी वारदात अंजाम दी गई है। और बड़ी बात यह है कि चोर पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। वही पीड़ित दुकानदार को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने आसपास के लोगों की मदद लेते हुए शटर को तोड़वाया और पीड़ित दुकानदार ने बताया कि चोरों ने दुकान का सारा सामान गायब कर दिया है। फिलहाल इस मामले में पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई है। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और सकुशल कराने के लिए थाना कसिया क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें एसडीएम वरुण कुमार पांडे और क्षेत्राधिकारी पीयूष कांत राय के नेतृत्व में नायब तहसीलदार मानधाता सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक ने फ्लैग मार्च निकाला, जिससे आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया जाए और शांतिपूर्ण वातावरण में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सकुशल चुनाव सम्पन्न कराए जाने का संदेश भी जनता को दिया गया। वहीं कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना कसिया इलाके में कई जगहों पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर यह अभियान चलाया, जहां पर तटवर्ती इलाके में लोहे के उपकरणों की सहायता से मिट्टी और बालू के नीचे ड्रमों, प्लास्टिक के डिब्बों, प्लास्टिक के मोटे पैकेटों में छुपा कर रखे गए लहन को निकालकर नष्ट किया गया। अभियान के दौरान कच्ची शराब बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली भट्टियों को भी नष्ट किया गया। देवरिया और कुशीनगर पुलिस दोनों के संयुक्त अभियान के तहत आज कई थानों की फोर्स लेकर के और एसएसबी की जो टीम आई है एरिया डोमिनेशन के लिए, उसका भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने खेतिमपुर भैसारा टोला के पास दबिश दी थी, क्योंकि थोड़ा दूर टोपोग्राफी होने की वजह से गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँचती है, तो पैदल काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। तो इसका फ़ायदा उठा के जो शराब बनाने वाले लोग हैं, वह शराब जो बनाते वो नदी इस पार तरफ भागने में सफल रहे, लेकिन 10,000 किलो से ज़्यादा का लहन लगभग नष्ट किया गया है। 35 से 40 बड़े बड़े ड्रम बरामद किए गए हैं मौके से और काफ़ी बड़ी मात्रा में भट्टियों को नष्ट किया गया और जो जमीन खोद करके उसके अंदर ड्रम लगा करके वो लोग लहन बना रहे थे, उसको नष्ट कराया गया है। वही मथुरा में पुलिस की 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे के 75 माइलस्टोन ग्राम पालखेड़ा के पास 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ देखने को मिली है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाशों के पास से कई सामान भी बरामद हुए हैं। गाड़ी के साथ अवैध तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और पुलिस अब शातिरों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। जनपद मथुरा के थाना नौझील में 10 जनवरी 2022 की रात्रि में एक लूट की घटना कारित हुई, जिसमें 3 अभियुक्तों द्वारा आगरा से दिल्ली के लिए एक बुक की गई इको गाड़ी के ड्राइवर को बंधक बना करके थाना नौझील क्षेत्र में बांध करके फेंक दिया गया था। जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और इन अभियुक्तों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई। आज इन 3 अभियुक्तों, जिनके की नाम गोपाल, बंटी और हेमंत, जो कि जनपद आगरा के रहने वाले हैं, इन 3 की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से वह इको गाड़ी व वादी का अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इनके ऊपर पूर्व के भी मुकदमे हैं और इनके पास से असला भी बरामद हुआ है। इन 3 को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। वही रायबरेली के एरिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बैंक कर्मी की हत्या के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। एसपी ने बताया कि घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। फॉरेंसिक टीम ने सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के साथ ही मौके से साक्ष्यों को भी जुटाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ इलाके के लोगों से भी मामले के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक बैंक कर्मी डीह के बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकारी के रूप में कार्यरत था। फिलहाल मृतक का किसी से कोई भी विवाद होने की जानकारी नहीं मिली है।
ये थाना मलेरिया क्षेत्र में आज सुबह लगभग 8 बजे के करीब सूचना मिली कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस द्वारा आकर यहाँ छानबीन की गई। इनका नाम जयप्रकाश पाल है, जो कि मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं और ये यहाँ एक बैंक में पीओ की नौकरी करते हैं। इनकी डेड बॉडी यहाँ पे मिली है और बॉडी देखने से प्रथम दृष्टया बुलेट इंजरी दिख रही है। इनके परिवार को सूचित कर दिया गया है। यहाँ पे फील्ड फॉरेंसिक यूनिट मौजूद है। सीसीटीवी यहाँ आसपास के चेक किए जा रहे हैं, जिसके आधार पे कुछ संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। उनके आधार पे 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। इस घटना के अनावरण के लिए शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। रायबरेली से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक बैंक कर्मी की हत्या कर दी गई है। दरअसल ये पूरा मामला बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां पर एक बैंक कर्मी को उसके साथ में हत्या उसकी की गई है। आपको बता दें कि बैंक कर्मी की हत्या के बाद आसपास के लोगों ने पूरे मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी है। एरिया थाना क्षेत्र में ये संदिग्ध परिस्थितियों में एक बैंक कर्मी की हत्या की गई है। वहीं इस पूरे मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो इस वक्त निकलकर सामने आया है। पुलिस सभी साक्ष्यों के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे रायबरेली संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ओम शंकर, रायबरेली में एक बैंक कर्मी की हत्या का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है? ये जो है कहीं ना कहीं जो है हमलावर की पहचान करने के लिए पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और आपको बता दें कि पुलिस की मेहनत रंग लाई है। सीसीटीवी फुटेज में जो है वो हमलावर कहीं ना कहीं भागता हुआ दिखा है। अब उसकी पहचान करके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ओमशंकर, जिस तरह से इस पूरे मामले पर शुरुआती जांच में बात निकलकर सामने आई है कि किसी के साथ भी बैंक कर्मी का कोई भी विवाद नहीं था, ऐसे में पुलिस किस प्रकार से पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है? किन अहम बिंदुओं पर आगे की जांच की जाएगी? जी हाँ, ये मान के चलिए आपकी पुलिस जो है वो मृतक के मोबाइल की सीडीआर और कॉल डिटेल भी कलेक्ट कर रही है। ये सही है कि मृतक बहुत सीधा साधा ब्रांच मैनेजर थे, उनकी किसी से कोई विवाद नहीं थी, कानपुर के रहने वाले थे। अब ये तो जब अभियुक्त पकड़ा जाएगा उसके बयान पर ही आएगा आखिर उसने इस तरह की दुस्साहसपूर्ण घटना को अंजाम क्यों दिया। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद ओमशंकर इस जानकारी के लिए। तो रायबरेली से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं उन्नाव के अरगुपुर गांव में से एक पड़ोसी की दीवार 2 मासूम भाइयों और बहनों पर गिर गई है। बता दें कि ग्रामीणों की मदद से दोनों को मलबे से बाहर निकाला गया और सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वही चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से जिला प्रशासन अब सक्रिय हो चुका है। संवेदनशील इलाकों के साथ साथ विभिन्न मार्गों से पुलिस बल के साथ एसपी ने नगर में भ्रमण किया है। मिर्जापुर में इस प्रकार से आज पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। इस दौरान लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक सौहार्द के साथ रहने का संदेश भी दिया गया है। मिर्जापुर में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव सम्पन्न कराने की तैयारी में पुलिस प्रशासन इस वक्त लगा हुआ है। एसपी पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने नगर के घंटाघर में दलबल के साथ उन्होंने पैदल भ्रमण किया। नगर के त्रिमुहानी, इमामबाड़ा आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को लोकतंत्र के महापर्व पर शांति और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया गया। आप देख रहे हैं कि आज हम लोगों द्वारा ये एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। ये चुनाव पूर्व की जाने वाली एक परंपरागत प्रक्रिया है। इस एरिया डोमिनेशन में हमारे CPMF के अधिकारी जवान, हमारे लोकल अधिकारी, SP सिटी, CO सिटी, साथ में सिटी मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में लोग एरिया डोमिनेशन के लिए लगे हुए हैं। अभी हम लोगों ने घंटा घर से प्रारंभ होकर के शहर के कई रास्तों में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की है। इसका उद्देश्य हमारा ये है कि जो भी हम लोगों ने क्रिटिकल बूथ या वल्नरेबल मजरे चिन्हित किए हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ लोगों के मन में विश्वास जगाते हैं कि निर्भीतापूर्वक आने वाले चुनाव में अपना मतदान करें। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।